वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम एक होमियोमॉर्फिक मैप की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी करेंगे और इस प्रॉपर्टी का कन्वर्स भी ट्रू होता है, मतलब कि उस प्रॉपर्टी से हम ये भी प्रूव कर सकते हैं कि वो मैप हमारे पास एक होमियोमॉर्फिज्म है। तो चलते हैं, देखिए एक्स अगर हमारे पास कोई दो टोपोलॉजिकल स्पेसिस हैं और एफ हमारे पास इन दोनों में बीच में एक वन वन, तो हमें एक ऑन टू मैप दिया हुआ है। तो देखिए जो मैप है हमारे पास वो एक होमियोमॉर्फिज्म होगा इफ एंड ओनली इफ एफ ए क्लोजर किसके इक्वल हो जाएगा, एफ ए होल क्लोजर के, फॉर एवरी सबसेट ए ऑफ एक्स के लिए। तो देखिए कैसे प्रूफ करेंगे। सबसे पहले हम एफ जो है एक्स टू वाई हमें दिया हुआ है कि वो एक वन वन ऑन टू मैप दिया हुआ है, और सबसे पहले हम ये लेट कर लेते हैं कि वो एक होमियोमॉर्फिज्म है। तो यहाँ पर देखिए क्लोजर की बात हो रही है, तो हम होमियोमॉर्फिज्म की क्लोज्ड वाली डेफिनेशन यूज करेंगे, दैट इज एफ हमारे पास एक वन वन ऑन टू क्लोज्ड एंड कॉन्टिन्यूस मैप है। अब हमने ये प्रूफ करना है कि ये इसके इक्वल होता है। तो देखिए जब हम कॉन्टिन्यूटी पढ़ रहे थे तो हमने एक रिजल्ट किया था कि अगर एफ एक्स टू वाई हमारे पास एक कॉन्टिन्यूस मैप होता है, तो सबसे पहले हम तो अगर ए हमारे पास कोई भी एक सबसेट होता है इस स्पेस का, तब हमारे पास एक रिजल्ट होता है कि ए सेट है हमारे पास और यहाँ पर एफ ऑफ ए सेट है, इसका क्लोजर और ये क्लोजर इसमें हमारे पास कंटेन्ड हो जाता है, हमने रिजल्ट किया था। तो यहाँ से हमारे पास फर्स्ट पार्ट तो प्रूफ हो गया कि ये इसका सबसेट है। अब हमने क्या प्रूफ करना है कि ये इसका सबसेट होगा, दैट इज अब हम ये प्रूफ करेंगे कि एफ ए क्लोजर जो है हमारे पास वो सबसेट होगा एफ ए का। तो इसमें अब हम देखिए कॉन्टिन्यूटी तो यूज हो चुकी है, अब हम क्लोजनेस का यूज करेंगे कि अगर ये क्लोज मैप हो जाता है तो ये चीज वैलिड हो जाएगी हमारी। तो देखिए सबसे पहले हमें एफ ऑफ ए क्लोजर फाइंड करना है, तो ए तो यहाँ से हम शुरू कर सकते हैं, हमें पता है कि जो ए सेट होता है वो हमारे पास अपने क्लोजर में कंटेंट होता है। अगर ये सेट इसमें कंटेंट है तो हम ये कह सकते हैं कि जो एफ ऑफ ए सेट होगा वो हमारे पास कंटेंट हो जाएगा एफ ऑफ ए इसमें, जिसमें कंटेंट हो जाएगा। उसके बाद हमको इसका क्लोजर फाइंड करना है सेट का, तो हमारे पास रिजल्ट था कि अगर कोई ए सेट बी में कंटेंट होता है तो इस सेट का क्लोजर कंटेंट हो जाता है इसके क्लोजर में। तो अब देखिए ये सेट इसमें कंटेंट है, तो उस रिजल्ट की हेल्प से हम ये कह सकते हैं कि जो ये सेट है वो हमारे पास कंटेंट हो जाएगा इस सेट में। तो अब देखिए हमने इसको उस सेट के इक्वल प्रूफ करना है। तो सबसे पहले देखिए हमको ये भी मालूम होता है कि कोई भी सेट है उसका अगर हम क्लोजर लेते हैं तो वो हमेशा हमारे पास एक क्लोज सेट होता है, और एफ हमने क्लोज मैप लेकर चल रहे हैं। अगर ये सेट हमारे पास एक क्लोज सेट है, दैट मीन्स जो इस सेट की इमेज होगी वो भी हमारे पास क्लोज्ड होगी इन वाई में, ये एक्स में क्लोज्ड था और इसकी जो इमेज होगी हमारे पास वो वाई में क्लोज्ड होगी। अब इसका क्लोजर है, अब ये सेट हमारे पास एक क्लोज सेट है और हमें पता है कोई भी सेट अगर क्लोज्ड होता है हमारे पास तो उसका क्लोजर उसी सेट के इक्वल आ जाता है। तो इट मींस अगर हम इस सेट का क्लोजर निकालेंगे तो वो हमारे पास इसी सेट के इक्वल आ जाएगा। तो डैट मीन्स यहां से हम ये कह सकते हैं कि जो ये सेट होगा ये हमारे पास इसके इक्वल हो जाएगा, ये इसमें कंटेंड हो जाएगा। तो इसको हम इक्वेशन नंबर टू नाम दे देते हैं। तो देखिए ये इसमें कंटेंड है, ये इसमें कंटेंड है, तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि जो एफ ऑफ ए होगा हमारे पास का क्लोजर किसके इक्वल हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा। तो इसमें एक बात और ध्यान देने वाली है, देखिए जब हमने सेकंड पार्ट प्रूफ किया यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो देखिए
फंक्शन की कौन कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है, सिर्फ और सिर्फ क्लोज्ड प्रॉपर्टी यूज हुई है। इट मीन्स अगर हम सिर्फ और सिर्फ एक एफ एक्स टू वाई एक क्लोज मैप लेकर चलते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक क्लोज मैप लेकर चलते हैं, तो देखिए हम ये प्रूफ कर सकते हैं। आपको सेपरेट भी प्रूफ आ सकता है कि अगर एफ हमारे पास एक क्लोज मैप है तो क्या होता है, एफ ओ फेक का क्लोजर कंटेंट हो जाता है एफ ओ फेक के क्लोजर में, क्योंकि यहाँ पर हमने ना तो वन वन का यूज़ किया है फंक्शन का, ना ही ऑन टू का यूज़ किया है, सिर्फ और सिर्फ क्लोज एफ जो एक क्लोज मैप है वही प्रॉपर्टी यूज़ की है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, देखिए कि अगर एफ हमारे पास एक कॉन्टीन्यूज मैप होता है, अगर एफ हमारे पास एक कॉन्टीन्यूज मैप होता है तो ये रिजल्ट वैलिड रहता है। अगर एफ हमारे पास एक सिंपली क्लोज मैप दिया हुआ है तो हम ये यूज कर सकते हैं कि ये इसमें कंटेंट होता है। अगर एफ हमें एक क्लोज्ड एंड कॉन्टीन्यूस मैप दिया हुआ है तो जो ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन है हम कह सकते हैं कि ये यूज हो जाएगी। इन बातों का आपको अच्छे से ध्यान रखना है क्योंकि कुछ भी मिक्स कर कर वो प्रूफ दे सकते हैं कि आप ये प्रूफ की। अब हम इसका कन्वर्स पार्ट करते हैं, तो भाई हम ये मानकर चलते हैं कि जो ये है वो हमारे पास इसके इक्वल है फॉर एवरी सबसेट ए ऑफ एक्स के लिए हमारे पास ये रिजल्ट है वो वैलिड है। अब हमें ये प्रूफ करना है कि जो ये मैप है वो एक होमोमोर्फिज्म होगा, और एफ हमें देखिए स्टार्टिंग में वन वन ऑन टू तो दिया हुआ है, तो यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं कि एफ हमें वन वन एंड ऑन टू मैप दिया हुआ है। अब हमने इसको होमोमोर्फिज्म प्रूफ करना है, तो फिर से क्लोजर का यूज है, तो अब हम क्लोजर वाली क्लोज सेट की डेफिनेशन यूज करेंगे होमोमोर्फिज्म में, कि अगर हम ये प्रूफ कर दें कि एफ हमारे पास एक कॉन्टीन्यूस एंड क्लोज्ड मैप है तो ये हमारे पास होमोमोर्फिज्म बन जाएगी। तो सबसे पहले कॉन्टिन्यूटी प्रूफ करते हैं। देखिए जो ये सेट है वो हमारे पास इसके इक्वल है, तो यहां से हम ये तो कह ही सकते हैं ना कि जो ये सेट है हमारे पास वो इस सेट में कंटेंड है। अगर फॉर एवरी सबसेट ए के लिए ये सेट हमारा इसमें कंटेंड हो जाता है, तो हमने रिजल्ट किया था कॉन्टिन्यूटी में कि ये हमारे पास क्या बन जाएगा, एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन बन जाएगा, क्योंकि ये हमने इफ एंड ऑनली इफ कंडीशन होती है, अगर एफ कॉन्टिन्यूस होता है तो ये वैलिड होता है, अगर ये वैलिड होता है तो वो कॉन्टिन्यूस होता है। तो यहाँ से हमने कॉन्टिन्यूस तो प्रूफ कर दिया। अब हमने ये प्रूफ करना है कि जो एफ हमारे पास मैप है वो एक क्लोज्ड मैप है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एच कोई भी हम एक क्लोज सेट लेकर चलते हैं इन एक्स में, और हम प्रूफ ये करेंगे कि अब हम क्या प्रूफ करेंगे कि जो एफ ऑफ एच है वो हमारे पास एक क्लोज्ड सेट होगा इन वाई में। हमने ये प्रूफ करना है कि ये एक वाई में क्लोज सेट होगा, तो क्लोज सेट प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, अगर हम ये प्रूफ कर दें कि इस सेट का जो क्लोजर है वो खुद इसी सेट के इक्वल है, तो हमारा प्रूफ हो जाएगा कि ये सेट यहाँ पर एक क्लोज सेट है। तो इसको प्रूफ करने के लिए हमें एफ ऑफ एच का क्लोजर फाइंड आउट करना है। एच हमने एक क्लोज सेट लिया यहाँ पर, तो अब हम एफ ऑफ एच देखते हैं, एच हमें कोई भी सबसेट दिया हुआ है, और यहाँ से देखिए अब यहाँ से अगर हम निकालेंगे कि एफ ऑफ एच है उसका क्लोजर किसके इक्वल हो जाएगा, एफ ऑफ इसके इक्वल हो जाएगा, हमने इसका क्लोजर चाहिए, तो ये इसका क्लोजर किसके इक्वल हो जाएगा यहाँ से इस सेट के, और एच हमने क्लोज सेट लिया हुआ है एक्स में, अगर x में एक क्लोज सेट है तो उसका क्लोजर किसके इक्वल हो जाएगा h के, तो इट मीन्स ये किसके इक्वल हो जाएगा इसके, देखिए इस सेट का क्लोजर किसके इक्वल हो गया इस सेट के, तो दैट मीन्स जो f ऑफ h सेट है हमारे पास इज क्या है, वो एक क्लोज्ड सेट है हमारा इन y में। हमने h कोई भी आर्बिट्री क्लोज सेट लिया था x में और f उसकी इमेज हमें क्लोज्ड मिल गई y में, तो दैट मींस f हमारे पास क्या बन जाएगा, अब एक क्लोज्ड मैप।
अगर एफ हमारे पास एक क्लोज्ड मैप बन गया और एफ हमारे पास एक कॉन्टिन्यूस मैप भी बन गया, तो डैट मीन्स वन वन ऑन टू तो है ही है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि एफ हमारे पास क्या बन जाएगा, एक होमियोमॉर्फिज्म बन जाएगा।